हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिद्रा एंड यू आर वाचिंग लिटिल विश। आज हम इस वीडियो में ऐसा फेस मास्क बनाएंगे जो 100% नेचुरल है, सभी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। जब आप पहली बार इसे अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटली आपको अपनी स्किन में डिफरेंस महसूस होगा। ये फेस मास्क मैजिकल मास्क है जो आपकी स्किन को डैमेज हो चुकी है तो उसे रिपेयर करेगा। स्पेशली जिनकी स्किन फॉर्मूला क्रीम से डैमेज हो चुकी है उनके लिए ये रिपेयरिंग का काम करेगा। आपकी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा, वो भी बहुत जल्दी। इसके अलावा ये आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और स्पॉटलेस भी बनाएगा। ये आपकी स्किन को टू टोन लाइटन करेगा। आप इसे विंटर्स में, समर में जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो सभी आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और जो साथ आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है इसे हिट करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस मास्क को बनाने के लिए आपने सिर्फ एग वाइट ही लेना है, एग योक आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आपने अंडे की सफ़ेदी ही लेनी है। किसी क्लीन बाउल में आप अंडे की सफ़ेदी ऐड कर लें। आप जानते हैं कि एग वाइट कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। ये आपके लार्ज पोर्स को श्रिंक करने में भी हेल्प करता है। ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। ये आपकी स्किन को रिपेयरिंग करने में भी हेल्प करता है। किसी भी तरह की अगर आपकी स्किन पर ब्लेमिशेज हैं तो उनको फेड कर देता है। इसे आपने सबसे पहले अच्छे से बीट करना है ताकि इसकी जाग बन जाए। जब अच्छे से बीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है राइस फ्लोर। 1 टेबलस्पून के राउंड आपने इसमें राइस फ्लोर ऐड कर लेना है। राइस फ्लोर में विटामिन बी मौजूद होता है जो हमारे न्यू सेल्स को प्रोमोट करता है। राइस फ्लोर हमारी स्किन की टाइटनिंग और वाइटनिंग के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है और जब ये एग वाइट के साथ कंबाइन होता है तो इसके बेनिफिट्स ऑसम से भी ऑसम हो जाते हैं। अब थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करना है वो है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। ये भी हम 1 टेबलस्पून ही लेंगे। बेसन हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है और ये आपकी स्किन से ओलीनेस को भी रिड्यूस करेगा, डार्क स्पॉट को फेड करता है और एक्नी से भी ये फाइट करता है और आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो ऐड करता है। अब इसमें हमने 1/4 टीस्पून ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपकी स्किन से एक्नी और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है। अब हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ये हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी और स्किन की वाइटनिंग में भी हेल्प करेगी। अब इसमें हमने योगर्ट ऐड करना है 2 टीस्पून। ये आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है और योगर्ट आपकी स्किन को यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करता है। अब तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसकी मिक्सिंग करें ताकि ये एक क्रीमी पेस्ट बन जाए। अब ये हमारा मैजिकल मास्क हो चुका है रेडी, जिसका मुकाबला मार्केट के महंगे से महंगे मास्क भी नहीं कर सकते। आपको एक ही दफ़ा यूज़ करने से इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे वीक में आपने 3 टाइम यूज़ करना है और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे अप्लाई करके रखेंगे और उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है। इस मास्क के बाद आपको किसी भी वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसी मास्क से आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जानी है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, आपकी स्किन की फेयरनेस के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। 15 दफ़ा जब इसे यूज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी टाइटन हो चुकी होगी, ग्लोइंग हो चुकी होगी, जैसे कोरियन और जैपनीज़ की स्किन होती है। तो ये थी आज की हमारी अमेजिंग वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।